और अब ये जहां ये बड़े वाला भागेगा उधर ये छोटे वाले भागेंगे। ये देखो अब ये भागेंगे उधर, ये वो देखो भागे भागे। वाओ, तो गाइस ये है ब्लैक टैन, मतलब इसी का कलर है पर थोड़ा डार्क शेड है, थोड़ा डार्क है, ब्लैक टैन है इसका, ब्लू टैन है। क्या बात है, मिनी कूपर भाई इतना सा है, असलियत में मिनी है ये, बहुत ज्यादा भी दिखाता हूँ। What's up everybody, क्या हाल चाल। आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाला है, बिकॉज मैं जा रहा हूँ हमारे बलजीत पोपर आयपा जी के पास। और आपको सभी को पता है लास्ट हमारे को डॉग शो पे वो मिले थे, और वो एक्सॉटिक किंग है बेसिकली बुलडॉग्स के अंदर, उनसे बेहतरीन बुलडॉग्स कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं ला सकता। तो उनके पास बहुत अमेजिंग अमेजिंग जो है पपीज हुए हैं बुलडॉग के, सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग। और अगर नए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जब मैं व्लॉग बनाता हूँ ये बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, तो आप इनको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ड्रिल एंड मीमी द इन्फ्लुएंसर्स। ये यस, हाँ। तो लो जी गाइस, अब मैं पहुँच गया हूँ हमारे बलजीत पाजी के घर पे, तो अभी अंदर चलते हैं, पाजी यहीं पर हैं और वो सारे के सारे शेर खुले घूम रहे हैं। हाँ जी पाजी, कैसे हो? सत श्रीकाल पाजी, ठीक हो? वेलकम जी, बहुत टाइम के बाद आज हम घर पर आए हैं, और अभी लास्ट हमारे को पाजी डॉग शो में मिले थे। सो पाजी आज स्पेशल क्या दिखाने वाले हैं हम हमारी ऑडियंस को, थोड़ा सा प्लीज बताएं। एक दो सभी कलर, नए कलर आए हैं कुछ, वो दिखाएंगे। मिनी कूपर के बच्चे हैं उनमें, क्या काफी तो उनमें से ले गए लोग। तो लोग अगर आप पाजी के बारे में नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है। पाजी जितने यहाँ पर इंडिया में एग्जॉटिक बुलडॉग्स है ना, फ्रेंच बुलडॉग स्पेशली उसके किंग है, मतलब जितने अरे जितने बढ़िया ब्रीड यहाँ पे मिल सकते हैं ना, आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। मतलब ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ये पपीज़ कल को बाहर अच्छी फैमिलीज़ के लिए एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं, इतने अच्छे डॉग्स हैं ये, इतने अच्छे प्यारे बच्चे हैं। डॉग सारे ही प्यारे होते हैं, बट मैं इनके कलर वाइज बात कर रहा हूँ। अभी सभी से आपको मिलवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ। जी क्या आइडिया, कुछ ऑलमोस्ट कितने डॉग्स होंगे? कोई आइडिया नहीं, मतलब 20-25-30 तो होंगे? नहीं नहीं इतने नहीं, मैं अच्छा कम होंगे, 15-10-15 15 के आसपास होंगे। वाह क्या बात है, मैं बिल्कुल चॉइस करके रखने लगा हूँ अभी, जो मतलब जितने कम डॉग है उतने ज्यादा बेटर हैं, जितने बेटर हैं और क्वालिटी पे ज्यादा जोर ये तो है बिल्कुल। अच्छा सबसे बड़ी बात पाजी के घर, एक तो आप घर की लोकेशन देख सकते हो, एक तो इतना बड़ा गार्डन सिर्फ खेलने के लिए, ऊपर बाहर जो ये सेटअप है, एक अंदर रात के लिए अंदर अलग से सेटअप है, वो सारी वीडियोस आप पहले भी चैनल पे आ चुके हैं वो देख सकते हो। तो पाजी मैं चाहूंगा पहले आज हम दिखाएं वो सभी पपीज जो स्पेशली हम इनके लिए आए हैं आज। ये है मिनी कूपर, और मोस्टली इन सभी जितने अभी आपको डॉग्स दिखाएंगे सबका ऑलमोस्ट फादर मिनी कूपर, और ये एस्टर वगैरह ही है। तो मिनी कूपर का भी मिनी कूपर है। अच्छा एस्टर का, इसका भी अच्छा, ये फोर्ड है। वाह क्या बात है, मिनी कूपर भाई इतना सा है, असलियत में मिनी है ये, बहुत ज्यादा भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये है बहुत ज्यादा अमेजिंग, कौन सा कलर है पाजी, कुछ ये कलर मेरे को भी नहीं समझ आया। हाँ कभी तो ये आपको धूप में मैंने पहले दिखाया था, कभी तो ये मतलब हल्का सा पिंक, हल्का सा पिंक देखने लगता है, और दूसरे वाला मिट्टी खाई हुई है इन्होंने, देखना मिट्टी नहीं खाई, खेल रहे हैं मिट्टी, खेल रहे हैं मिट्टी। वाह, और कभी ये मतलब अलग सा इनकी आईज का कलर भी देखो येलो है। हाँ ये तो है, आइस का कलर देखो, अभी कभी ब्लू लग रहा है, कभी ग्रीन लगता है, कभी मतलब कलर शेड के हिसाब से। बिल्कुल ये दोनों नए कलर आए हैं। तो ये दोनों फीमेल्स हैं? नहीं ये मेल है, इसका साइज मिनी कूपर से भी कम रहेगा मेरे को। वाह इसको छोड़ना, नीचे छोड़ना, छोड़ना इसके पास। तो ये देखना, अरे अरे छोटे साइज में रहेगा यार, ये तो पता लग रहा है अलग से, देखना इसमें साथ में मतलब जो माल है इसमें वो ब्लू कलर में है, और दूसरा इसके मतलब टैन सा बोल सकते हैं, बिल्कुल या पांच सा कलर बोल सकते हैं यार। नहीं बहुत प्यारा बच्चा, ओए मिनी कूपर दिखने लगता है उसके पीछे ही लग गए। ये देखना ये इसका कलर ना, आपको रियलिटी में जब आप देखोगे ना गाइस आपको और अलग दिखने वाला है, क्योंकि इसका कलर कभी तो लाइट पिंक सा लगता है। हाँ कभी कभी आपने देखा था धूप में अलग, मतलब बेलबट की करे हाँ, की करे जैसे अलग शेड धूप हाँ, में अलग शेड आता है वैसे अलग शेड आता है। नाम भी मैंने बेलबट ही दिया है। अरे वाह वेलवेट है, हाँ ये सही है, क्योंकि ये कलर अलग, कभी कैसा कलर कभी कैसा कलर होता है। तो गाइस एक चीज सबसे खास जो मुझे इस ब्रीड की लगती है, एक तो ये कहीं पे भी रखी जा सकती है ना पाजी, बिल्कुल, और दूसरा ये एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटिश बुलडॉग फिर भी लेजी होते हैं, ये एक्टिव है, ये एक्टिव भी है, और ये इसको हार्ड भी बोल सकते हैं, इसको एक बार मतलब इसको दिक्कत नहीं आता, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, एक बार 9 मंथ का बच्चा हो गया तो उसके बाद बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है बिल्कुल।
हमारा ही कोई गलती हो जाए तो है, हाँ अदरवाइज वैसे सही रहते हैं, ये चीज तो मैं भी मानता हूँ। और यहाँ पर दो प्यारे प्यारे पपीज और आए हैं, ये कौन सा कलर है पाजी? ये मिनी कूपर वाला कलर ही है। वाओ, छोड़ना थोड़ा लाइट है, ये फीमेल्स है, ये लाइलैक टैन बोल देते हैं। हाँ ये एग्जैक्ट कलर लग रहा है भाई, एग्जैक्ट सेम कलर लग रहा है मिनी कूपर का। ओ देखना तो गाइस, मिनी कूपर तो इम्पोर्ट है ना पाजी? बिल्कुल। कौन सी कंट्री से वैसे? ये यूएसए से है। वाओ पाजी, इतने सारे डॉग्स को संभालने के लिए आपको बंदे भी चाहिए होंगे, कितने बंदे मतलब टोटल काम इस चीज पे रहते हैं? ये दोनों है, ये अच्छा, ये दोनों ही दोनों भाई पूरे टाइम लगे रहते हैं। वाह, मतलब इतना दिक्कत भी नहीं देते, ये भी नहीं है क्योंकि सिस्टम वैसा बना रखा है, सभी में दो दो तीन तीन ऐसे करके खुले रहते हैं, फूड डालना है या साफ, बिल्कुल 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 नहीं होता है, तो पूरा फार्म सेटअप है, जैसे पेड़ भी हैं बीच में छाव के लिए, उधर पीछे अलग से सेटअप है, अगर ये फ्रेश होते हैं तो उसके लिए पीछे से अलग से सेटअप है, और सारी चीजें ऑलमोस्ट बनी हुई है पहले से ही, है ना पाजी? बिल्कुल। वो देखना वो कहाँ चले गए। ओए शरारती बच्चों, कहाँ घुस रहे हो, कहाँ घुस रहे हो, देखो डर भी जाते हैं। मिनी कूपर इधर आ तू, सबसे प्यारा प्यारा डॉगी है मिनी कूपर। आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक डॉग लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप ब्रीड डॉग लेना चाहते हैं और आपके पास जगह की कमी है या फिर जगह भी अच्छी खासी है, तो मैं ये ब्रीड तो आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, बिकॉज दिस ब्रीड एक तो एग्जॉटिक है, दूसरा इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तीसरा लो मेंटेनेंस है, चौथा सुंदर बहुत ज़्यादा लगता है घर में, और अटैच तो बड़े अच्छे से हो ही जाते हैं लोग, मतलब आपको पूरा प्यार करेंगे ये डॉग्स, और आपको अच्छा खासा शरारते भी करके दिखाएंगे, बहुत शरारती होते हैं। सो भाई ये सभी के सभी बाहर ऐसे खेल रहे हैं ना, देखना इनको इनको खेलता देख के एक तो मेरे को ओरियो शिनचैन ड्रिल इनकी सबकी याद आ जाती है। ओए इधर आना, ये देखना रेड वाला, ओए कहाँ भाग रहा है, इधर आ, देखना कैसे, ओए हाँ कैसे उछल रहे हैं। सो गाइस ये देखना, ये एरिया सिर्फ इनके खेलने के लिए है कि इनको धूप में सुबह सुबह पाजी निकाल देते हैं, जिसमें ये देखना ये सभी के सभी यहाँ पर हरकतें करते हैं। तो पाजी चलिए आप हमारे को आगे लेकर चलो यार, सारे डॉग जितने बड़े हैं उनको भी दिखाते हैं हम एक एक करके। तो ये एरिया कितने बाई कितने में है पाजी एरिया, कोई आइडिया? ये लगभग 20x24x20 है। वाह अच्छा खासा एरिया है इस ब्रीड के लिए। देखो अब ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है खाली है, इसमें किसी भी डॉग को ये छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हो आप कितने दो डॉग्स हैं यहाँ पे। तो दोनों फीमेल हैं? ये जब आप पहले आए थे तब बच्चे थे। अच्छा वाह क्या बात है। और अब आगे चलते हैं, इसमें मेरे को एक फीमेल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो एक तो ये वाइट वाली है, कितनी है पाजी इसकी? अच्छा इसकी एज है 2.5 साल के आसपास। वाओ पाजी आपके पास सबसे ज्यादा बुजुर्ग डॉग आज से कितने साल करा है? ये सबसे यही एस्टर की इनमें से अभी तक सबसे ज्यादा है। कितनी कितनी एज ये होगा? 7 साल के करीब होगा। तो गाइस एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, अभी भी उतना ही एक्टिव है और उतना ही वो है। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रीडर्स क्या करते हैं 7-8 साल का डॉग या फीमेल हो जाते हैं उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। गाइस ये चीजें कहने में सुनने में बड़ी अजीब लगती है, बट असलियत में बहुत कम होती हैं ये चीज़ें। मैंने तो आज तक कभी इंसान को नहीं देखा, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, जितने लोगों के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, सभी ने अपने 8-8, 7-7, 9-9 साल के डॉग्स को बिल्कुल घर के मेंबर की, उल्टा उनको रिटायरमेंट एज कर दी जाती है। बिल्कुल, उसके बाद उनको सिर्फ घर पे ये है, इसको मैं कैनल मदर बोलता हूँ इस फीमेल को। हाँ ये भी 5-5.5 साल की होगी, होगी 5 साल के करीब, लेकिन इसको कोई ऐसे भी कुछ नहीं होता है इनको। ये मेरे हिसाब से इसको डाइट प्रॉपर मिलती है, कोई हेल्दी रहते हैं। बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। तो मतलब लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं कि जब मोस्टली क्या रखा है लोगों ने कि फार्म पे जब भी 7-8 साल का डॉग हो जाता है सड़कों पे छोड़ देते हैं ब्रीडर, ये वो, पर हर जगह नहीं होता ये बात तो माननी पड़ेगी। कोई भी जो ब्रीडर है, कोई भी आप किसी लाइन का ब्रीडर ले लो, अकेला डॉग लाइन का नहीं, आप चाहे घोड़ों को ले लो, तो उसको तो स्पेशल रखते हैं जो पुरानी होती है। हाँ। हाँ। स्पेशल पंजाब में तो ये चीज है कि गाइस जो ये सभी फैमिली मेंबर की तरह इनको रखा जाता है, फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं ये लास्ट वाले व्लॉग में जो ये डॉग्स अभी आप देख रहे हैं इस टाइम गोदी में थे, है ना? बहुत ज्यादा जैसे आज वो है वैसे ये थे। वाओ यहाँ पे है मिनी कूपर, इसको बंद कर दिया, और वो रहा एस्टर, एस्टर है ना वो? वाह। और यहाँ पे लास्ट में कौन है पाजी? फोर्ड। वाह जी वाह। ओए एस्टर किसका बच्चा है?
एस्टर इंपोर्ट हुआ हुआ है हंगरी से। ओके, ये इसका है, ये इसमें एस्टर का ब्लड भी है और मिनी कूपर का, मिनी कूपर का भी है और क्रिस्टल का भी है। मेरे पास जितने अभी सारी फीमेल जहाँ कुछ भी अवेलेबल है उसमें मिनी कूपर, मिनी कूपर का मानो लैलिक टैन और मिनी कूपर ब्लू टैन कैरी करता है, वो ब्लड है। और जो अपना एस्टर है वो ब्लू कैरी करता है, उनका ब्लड है। और तीसरा जो अपना बोलते हैं माल, माल टैन आ जाता है वो क्रिस्टल का। मतलब इन तीनों सभी बच्चों में मेरे सभी अभी जितनी भी फीमेल या मेरे पास जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सभी तीनों कलर कैरी करते हैं, तभी इतने मल्टी कलर बच्चे आते हैं। बिल्कुल, ये तो है। और अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ भी एक पेड़ है, उसके बाद अलग से इनके लिए अलग बनाया हुआ है। तो पाजी एक चीज मैं भी पूछना चाहूंगा, आपने इसको कच्चा क्यों रखा जमीन को? जैसे अब ये यहाँ पे आपने फर्श डाला हुआ है, वहाँ क्यों नहीं डाला फर्श आपने कच्चा? इन अगर असलियत में देखा जाए तो ये तो इन्होंने तो इनके रहने वाली जगह तो वही है, मिट्टी है। बिल्कुल, उस मिट्टी में हैबिचुअल, हाँ वो घास में मिट्टी पे, बिल्कुल बिल्कुल चीज पे। तो पंजे भी खराब होने का डर रहता है फर्श पे। इससे ऐसा है कि एक तो जब ये मिट्टी में खोदते हैं तो इनका अपने आप नेल का कटिंग नहीं करना पड़ता, अपने आप घिस जाते हैं, बोन स्ट्रक्चर बढ़िया रहता है। एक चलने में वो होता है जैसे टेप टाइल टाइल वगैरह होती है या मार्बल होता है तो इनके पैर मुड़ जाते हैं। हाँ, नॉर्मली बहुत ज्यादा लोगों को जो फ्लैट्स पे डॉग रखते हैं उनको यही दिक्कत आती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे इनमें से जो पप्पीज हैं, अगर कोई बुलडॉग का पप्पी ले रहा है तो कितनी एज तक का पप्पी लेना चाहिए उसको? कम से कम मेरे हिसाब से 3 मंथ का। मैं नहीं बोलता कि कोई 45 दिन पे उठा लो, 35 दिन पे उठा लो। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो उसे ये होता है, मैं देता भी नहीं उससे पहले। एक तो जितना दे तीनों वैक्सीनेशन ही डन होता है, जो मेन मेजर होता है प्रॉब्लम उनका, और उतनी देर नहीं देते बच्चा। और एक हर बच्चे का ये मालूम चल जाता है कि ये किस लेवल का बच्चा है, ये किस फैमिली के लिए सही रहेगा, किसके शरारती ज्यादा है। क्योंकि इनके टांगे मुड़ने का भी डर होता है। अगर गाइस, अगर आप बुलडॉग को छोटी एज में, कोई भी डॉग को छोटी एज में लाओगे, फर्श पे रखोगे तो उसके टांगे ऐसे मुड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब भागने लगे, अब इनके पैर जो है उतने डेवलप हो चुके हैं जितने में ये सही जा सके। अच्छा गाइस, ऐसा नहीं है कि जब ये छोटे होते हैं सिर्फ तभी एक्टिव होते हैं। देखो, अब ये पूरी एडल्ट डॉग्स है और इनकी शरारतें छोटे वालों से भी ज़्यादा है। देखो तो यार, सबसे मेन चीज़ ना, मुझे ऐसा लगता है डॉग अगर आप लेते हो तो इतना अफेक्शन तो डॉग का आपके साथ, इतनी शरारतें तो डॉग को करनी चाहिए। तो ये देखना, वो पीछे सारे के सारे, इनको दिखाता हूँ गाइस अभी आपको मैं। ये देखना, वाह ये देखना इकट्ठे कैसे हुए हैं। और अब ये जहाँ ये बड़े वाला भागेगा उधर ये छोटे वाले भागेंगे। ये देखो, अब ये भागेंगे उधर, ए वो देखो भागे भागे। अब सारे इधर आ गए। अरे 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 अरे, ये देखना ये देखना। वाह जी वाह, ये देखना शरारते। ओहो वाह। सुपा जी, आपको वैसे ऑलमोस्ट कितने टाइम हो गया आप स्पेशली बुलडॉग रखते हुए? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, वाह। तो गाइज, ये चीज़ मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ, बिकॉज 6 साल का एक एक्सपीरियंस है जो कि स्पेशली एक ब्रीड को दिया हुआ है डेडिकेटेड। तो उस ब्रीड के लूप होल्स, उस ब्रीड के फ़ायदे, सारी चीज़ें पाजी को बहुत अच्छे से पता है। बाकी पाजी को अगर आपने मैसेज, आप पाजी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो पाजी का नंबर और पाजी का इंस्टा, फेसबुक सब मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पाजी, बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे, जल्दी से अब हॉर्स के पास चलेंगे आपके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डन, चलो जी, देना ही देना देना मेरे को, लो। भाग गए, स्पीड देखना इनकी, लेकर आया है।